वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, ये उपर का स्टोर रूम बनाया सी ने, नीचे तो है ही है रूम दे नाल। ये मतलब कि एक्स्ट्रा जा कमरा सीगा, ते चंगी तरह है, मतलब कि कोई पेंट वगैरह भी नहीं होया हुआ सी। जिवें इधर देखो उपर पोर्शन बहुत वधिया सारा तैयार होया हुआ है। फिर जिहड़ा कपड़ा हुंदा जी, सब तो ज्यादा इहदे वास्ते जगह चाहीदी है, नहीं हर कमरे दे विच कपड़े लटकी जांदे ने। इत्थे इह टंगणियां लगवा लईआं, ते प्रेस वाला टेबल इत्थे कर लिया। पहलां असीं टैंपरेरी प्रेस रसोई दी सैल्फ ते ला ली सी, हुण इत्थे इह टेबल दे उत्ते करी है। ते उपर दे स्टोर की सफाई तो बाद नीचे दे स्टोर की सफाई करांगे। हुण जिहड़े मोटियां रजाइयां लईआं नहीं जांदियां हले, उन्हां दे शाड़ धोणे ने, आ वी मोटी रजाई है, शाड़ उतारना है, मोटे कंबल ने रजाइयां टाइप, ते फिर इन्हां नूं धोवांगे। वाहिगुरु जी, सरदार जी ने कहा से फुली मशीन लै दो, कहिंदे खर्चा पहला ही बहुत हो गया, सुनदे ही नहीं है मेरी। हुण वीर जी नूं कहूंगी, फिर नहीं बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम होंदी है जी, ते गुरु महाराज सब दे शरीर नूं तंदुरुस्ती दवे। शरीर तो चलते फिरते फुल वर्गे रहते ने, जे आपां नूं कोई प्रॉब्लम होवे फिर उहदे नाल बहुत दिक्कत रहती है। वैसे तो दिसदा नहीं कूड़ा, धुंध तो नहीं देखो कि कूड़ा आ गया। पहले आके तो नीचे सफाइया करिया सी, फिर एक लख तो उपर नीचे इकट्ठा नहीं हुंदा हैगा, फिर उपर हौली हौली चढ़ी गए, पहले नीचे नवेड़ लईदे। चलो उस तो बाद नीचे स्टोर चलते हैं जी। बाकी समान बहुत हो जाए स्टोर करने वाला, स्टोर बहुत जरूरी है घर के होना। हूँ जिमें पिंड घर देखो कि बड़ा स्टोर है, गड्डी घर का बहुत उत्तर समान आता है। तो देखो जी, जी प्रेस की इतने तार है पूरी आ गई इतने तक, उतों तो लैके अपन आसानी हो जाए करू प्रेस कर। इन्हों का ना नीचे प्लग सीगा, तो नीचे तो फिर उपर लिया आपने, पर वधिया सैटिंग हो गई। तो बाहर भी बहुत कूड़ा पे है जी, बाहर हले उपर चढ़े ही नहीं सी, हूँ चढ़ी हैं जाके। देखो जी कितना हो गया, ये सारा हवा हवा नाले आया हुआ है। वैसे उपर बंद भी कर होंगे पर फिर भी रह रहे हैं नहीं घर में।
वाहगुरु जी नीचे तो अस एक दो विंडो खुली रखते होंगे डिसफोकेशन जी हो जाती है, उपर तो टोटली सारा बंद होंगे, फिर भी देखो कि मिट्टी आ गई। वाहगुरु जी नीचे स्टोर से जो जिन्हें कपड़े ने ना मोटे वादू उपर लैके आऊगी जो अपना एन चंकी तरह बहुत सोहनी धुप निकल जाएगी कैरी तो फिर अच्छी करके धोवे इन्हों इसी तरह चलो आने उपर ले सफाई कर दूंगा ठीक है जी। वाहिगुरु जी की फतेह। हुण जी दुपहर का टाइम है जी, ये आपने चप्पल कद्दू कटिंग कर ले जी, इधर अपने प्याज ले ले जी, ये हो गया जीरा टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन, तो इधर अपने लून मिर्च अपने टेस्ट अनुसार ले लिया जी, आ कसूरी मेथी आ हल्दी नमक आ हरी लाल मिर्च थोड़ी जी ले ली जी, कुछ हरी मिर्च कट्टी हुई है जी अपने। हुण आपां गैस नूं चलावांगे जी, मौसम तो वैसे सवेरे बहुत खराब सी जी, हुण तां हवा रुक गई जी, मौसम एन साफ हो गया जी, क्योंकि थोड़ा जिहा बदल जिहा तां हैगा पर हवा रुक गई ते मीह रुक गया, ते हुण आपां इहदे विच पावांगे तेल, थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा जी, अपना तेल गर्म हो गया जी, इस पावे जीरा, जीरे के नाल नाल अपन लहसुन पा देंगे, अपना लहसुन लाइट ब्राउन जहा हो गया जी, इस पावे प्याज, देखो अपन लाइट ब्राउन जहा हो गया ठीक है जी, ये लहसुन इस अपने हम पाता जी प्याज, ये प्याज न ब्राउन करांगे अपन, जो प्याज अपना हल्का ब्राउन हो जूगा जी फिर आप टमाटर पा देंगे अदरक तो हरी मिर्च तीन कट्ठे पा देंगे, हूँ जी अपना ये प्याज पा दिया जी अपना ब्राउन हो जूगा जी, इस तो बाद पावे टमाटर हरी मिर्च तो अदरक, हूँ अपना प्याज जी हल्का ब्राउन हो गया जी, आ देखो ब्राउन ब्राउन हो गया हूँ अपना, हूँ ये आप टमाटर अदरक इसे हरी मिर्च पा देंगे कट्टी हुई, इन भी दो चार मिनट आप पका लेंगे जी थोड़ा इत, ये हो गया जी अपना टमाटर भी थोड़ा जहा बिच मिर्च, ये आप हल्दी नमक पा देंगे,
ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ अपनी सब्जी बनूगी जे ये हरा धनिया आप सवार लांगे जी तो थोड़ी जी बन जूगी जी फिर पा देंगे जी ये होर भी टेस्ट वधिया हो जाता जी हरे धनिए नाल पिछों लियाए सी जी आप उदों मीह पै रहा सी जी सब्जी अपनी बन गई जी देखो कितनी सोहनी बनी है ये हम आप धनिया पा देंगे जी ये धनिया पाता जी सब्जी अपनी बन के तैयार है जी हूँ आप कर देंगे गैस बंद तो आटा अपना गुन्या हुआ है जी प्रसादा तो आप बना देंगे नाल सारे छक लेंगे जी गर्म गर्म चलो ठीक है जी अगली वीडियो फिर मिलेंगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।